Hello and welcome to Standard 12 Physics. In this video, you will see the solution of chapter number 1, Electric Charges and Field, and exercise 1.6. So question given is, 4 point charges QA is equal to 2 microcoulomb, QB is equal to minus 5 microcoulomb, QC is equal to 2 microcoulomb and QD is equal to minus 5 microcoulomb are located at the corner of a square ABCD of the side 10 centimeter. So in question, 4 charges are placed here at the corner of this square ABCD and value of the charges is given, and the square is of side 10 centimeter. Question is, what is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? तो यहाँ सेंटर पे हमने लेट्स से Q0 चार्ज रखा हुआ है, उसका वैल्यू दिया हुआ 1 माइक्रोकूलम, तो उसके उसके ऊपर जो टोटल कूलम्बियन फोर्स लग रहा है वो हमें फाइंड करना है. सो फर्स्टली सी दिस फिगर हियर, ए बी सी डी पॉइंट्स आर देयर. एट ए वी हैव पुट दिस QA चार्ज, QB, QC एंड QD. तो यहाँ पे ये सी और ए, यहाँ पे प्लस चार्ज दिया हुआ है क्वेश्चन में. बी और डी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिया हुआ माइनस फाइव माइक्रोकूलम, और यहाँ पे भी माइनस फाइव माइक्रोकूलम, यहाँ पे प्लस टू माइक्रोकूलम और यहाँ पे प्लस टू माइक्रोकूलम दे रखा है. तो ये टोटल चार्ज की ये जो सिस्टम बन रही है, सो वी आर हैविंग अ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस. सो वी हैव टू अप्लाई हियर कूलम्स लॉ एंड वी विल डू द वेक्टर समेशन ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस. तो देखो यहाँ पे ये ओरिजिन है या ओ पॉइंट हमने दिया हुआ है, यहाँ पे Q0 चार्ज प्लस रखा हुआ है, तो बी की वजह से यहाँ पे जो फोर्स लगेगा ये Q0 प्लस है और बी नेगेटिव है, तो Q0 पे बी का जो फोर्स लगेगा उसको हम बोलेंगे F0B, जीरो या ओ. सो FOB वो जो फोर्स लगेगा, तो वो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, उसकी साइड फोर्स लगाएगा ये बी. सो फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी इज इन दिस डायरेक्शन. सेम वे ये पॉजिटिव चार्ज है ए यहाँ पे प्लस टू माइक्रोकूलम, और Q0 भी पॉजिटिव है, तो ए उसके ऊपर रिपल्जन फोर्स लगाएगा और वो उसको इससे दूर जाने का फोर्स लगाया, और वो यहाँ पे मैंने इंडिकेट किया FOB, मतलब कि वो ये Q0 चार्ज को यहाँ पे दूर की साइड फोर्स लगाएगा, तो ये A की वजह से फोर्स यहाँ ऊपर की साइड लगेगा. सेम वे ये C है, वहाँ पे प्लस टू माइक्रोकूलम है, तो उसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो भी रिपल्जन फोर्स होगा, तो वो इस डिरेक्शन में लगेगा और वो हमने यहाँ पे इंडिकेट किया है, मतलब कि ये A और C एक दूसरे को अपोजिट साइड में फोर्स लगाएंगे, ये भी रिपल्जन फोर्स देगा और ये भी रिपल्जन फोर्स देगा. सो फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए इज इंडिकेटेड बाय दिस FOA, एंड फोर्स ऑन दिस ओ ड्यू टू सी इज इंडिकेटेड बाय FOC. सेम वे ये डी है, वो नेगेटिव चार्ज है, तो वो अट्रैक्ट करेगा, सो यहाँ ओरिजिन पे ऐसा फोर्स लगेगा वो डी की साइड जाएगा. सो फोर्स ऑन दिस ओ ड्यू टू डी इज इंडिकेटेड बाय FOD, और ये इस डायरेक्शन में होगा ओ टू डी की डायरेक्शन में. तो अभी ये हमें सब फोर्स का वेक्टर समेशन करना है. सो फर्स्ट वी विल सॉल्व दिस FOA. सो फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए यहाँ से लगेगा इस साइड की, इट्स ए टू सी की डायरेक्शन में यहाँ पे लगने वाला है, तो यहाँ पे दो चार्ज है, एक Q0 और एक QA. सो हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ कोलंबियन फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q0 बाय दिस QA चार्ज. सो FOA इज इक्वल टू, दिस इज द कूलम्स लॉ, वी ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द थियरी रिलेटेड टू कूलम्स लॉ. सो FOA इज इक्वल टू K Q0 QA डिवाइडेड बाय R स्क्वेयर. कूलम्स के लॉ में हमें ये दो चार्ज Q1 और Q2, ये दोनों चार्ज यहाँ पे रखेंगे और उसके बीच का यहाँ पे डिस्टेंस सभी ये AO, DO, CO और BO सबका डिस्टेंस यहाँ पे ओरिजिन से सेम रहने वाला है, और उसको हमने R नाम दिया है, हमें R की वैल्यू पता नहीं है, हमें तो L दिया हुआ है, तो लेट्स से दिस इज R.
सो एफ ओ ए इज इक्वल टू के क्यू जीरो क्यू ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर. सेम वे वी कैन फाइंड द एफ ओ बी. एफ ओ बी इज इक्वल टू के क्यू जीरो क्यू बी डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर. यहाँ पे एक चीज देखो कि ये जो फोर्स लगने वाला है एफ ओ बी इस डिरेक्शन में लगेगा और सी की वजह से ओरिजिन पे लगे एफ ओ सी, तो यहाँ पे भी 2 माइक्रो कूलम है और यहाँ पे भी 2 माइक्रो कूलम है. तो यहाँ पे एफ ओ ए और एफ ओ सी का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो तो सेम ही रहेगा और उसकी डिरेक्शन क्या हो जाएगी अपोजिट. तो सेम वे हम कह सकते हैं कि एज दिस वैल्यू ऑफ क्यू सी इज इक्वल टू क्यू ए, वी कैन से दैट एफ ओ ए इज इक्वल टू एफ ओ सी. और एफ ओ सी क्या मिलेगा हमारा, एफ ओ सी इज इक्वल टू के क्यू जीरो क्यू सी डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर. सेम वे एफ ओ डी इज इक्वल टू के क्यू जीरो क्यू डी डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर. तो यहाँ पे भी क्यू सी और क्यू ए की वैल्यू सेम है, तो हमें जो ये फोर्स एफ ओ ए और एफ ओ सी ये जो इक्वेशन है सेम ही है, ओनली डिफरेंस ये है क्यू ए और क्यू सी का, और वो भी क्या है दोनों सेम है. सो वी कैन से दैट एफ ओ ए इज इक्वल टू एफ एफ ओ ए इज इक्वल टू एफ ओ सी, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द डायरेक्शन इट इज अपोजिट. सो वेक्टर एफ ओ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर एफ ओ सी. सेम वे यहाँ पे माइनस फाइव माइक्रो कूलम है और यहाँ पे भी माइनस फाइव माइक्रो कूलम है. तो यहाँ एफ ओ डी जो फोर्स लगेगा और एफ ओ बी जो फोर्स लगेगा इट विल बी सेम इन मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन. सो वी कैन से दैट एज क्यू सी सॉरी क्यू डी इज इक्वल टू क्यू बी, क्यू डी इज इक्वल टू क्यू बी, वी कैन राइट एफ ओ बी इज इक्वल टू एफ ओ डी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड. एंड इफ वी टॉक अबाउट this direction एफ ओ बी वैक्टर इज इक्वल टू माइनस एफ ओ डी. सो टोटल फोर्स हमें यहाँ पे लिखना होगा, तो हो जाएगा द टोटल फोर्स ऑन क्यू जीरो एफ ओ ए, फोर्स ऑन ओ डी टू ए, फोर्स ऑन ओ डी टू बी, फोर्स ऑन ओ डी टू सी एंड फोर्स ऑन ओ डी टू डी. सो हमने क्या बोला, एफ ओ सी है वो तो सॉरी एफ ओ ए है, ये एफ ओ ए और ये एफ ओ सी एक दूसरे के अपोजिट में, तो वो उसके फोर्स की इफेक्ट कैंसिल आउट कर देंगे. सेम वे एफ ओ डी और एफ ओ बी वो एक दूसरे की इफेक्ट क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे. तो टोटल हमारा बैलेंस फोर्स जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा. सो एट क्यू ज़ीरो टोटल हमारा फोर्स ज़ीरो हो जाएगा. और हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से भी ऐसा लिख सकते हैं, ओ ए इज इक्वल टू को माइनस पुट कर देंगे, ओ बी इज इक्वल टू माइनस सी डी माइनस एफ ओ डी पुट कर देंगे और ये समेशन जब करेंगे तो हमें ज़ीरो मिल जाएगा. सो रिजल्टेंट कोलंबियन फोर्स ऑन क्यू ज़ीरो इज ज़ीरो. टेक अ स्क्रीनशॉट. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो.